अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे रेड लाइन बीआरटी प्रोजेक्ट पे काम कहां तक पहुंचा। आज जिस जगह हम वीडियो बनाएंगे वो है जो चेक पोस्ट नंबर 6 है मलीर कैंट का, वहां से लेके टैंक चौक तक। जैसा कि आप सबको पता है कि रेड लाइन बीआरटी का जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, उस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसकी अपडेट दूंगा मैं आपको। अभी देखते हैं काम यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा है। मलीर का लिंक रोड है जो के सुपर हाईवे की तरफ जाता है, मोटरवे की तरफ, और अभी देखते हैं आगे काम कहाँ तक पहुँचा है। ये जो मलीर का चेक पोस्ट नंबर 5 है, कौन सा है, 6, ये चेक पोस्ट नंबर 6 है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं। काम चल रहा है यहाँ पे, जो आम ट्रैफिक के लिए ट्रैक बनाए वो तकरीबन बन चुके हैं रेस कोर्स वाली साइड में। अब आगे देखते हैं आगे काम कहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए जनाब, ये बीच में इन्होंने बंद कर दिया है और यहाँ से जो ड्रिगिंग है वो चल रही है, खुदाई वदाई कर दी है इन्होंने और यहाँ पे बैरिकेशन लगा दिए हैं। लेफ्ट पे आपको जैसा ये राइट साइड पे नजर आ रहा है, बैरिकेशन लगी हुई है और काम चल रहा है बीच में ट्रैक पे। ये बीच में जो है ना, इसका मेन ट्रैक बनेगा रेड लाइन बीआरटी का, और बाकी जो ये रोड है ये नया बनाया है इन्होंने, ये आम जो ट्रैफिक है उसके लिए बनाया है, और एक जो है वो राइट साइड पे बनाया है जो गाड़ियां वापस आती हैं उनके लिए। तो ये रोड देखें, अभी ये बिल्कुल तैयार हो गया है। पहले ये बीच में रोड हुआ करते थे, वो बीच वाले रोड ख़त्म करके अभी वहाँ पे ट्रैक बना रहे हैं बीआरटी का। अब ये लेफ्ट राइट पे इन्होंने आम जो ट्रैफिक चलेगी उसके लिए रोड बना दिए हैं। अब पता नहीं कि यही परमानेंट होंगे या बाद में कुछ और बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये रोड बन गए हैं तो इससे थोड़ी सी सहूलत आम आदमी को जो है ना वो हो जाएगी। ये अच्छा काम किया है इन्होंने। ये अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये बिल्कुल नया रोड है, ये मलीर कैंट की दीवार है जैसा कि आपको नज़र आ रही होगी, और उस दीवार के साथ ये रोड चल रहा है। पहले यहाँ पे खाली जगह होती थी, नाला वाला होता था इस तरफ राइट साइड में, अब इन्होंने यहाँ पे ये ट्रैक बना दिया है। यहाँ से ये वापस हम लोग जो नॉर्मल ट्रैक है उसके ऊपर आ चुके हैं। पहले यही रोड होता था, अब उसी रोड पे आ गए, वहाँ तक इन्होंने रोड बनाया है, आगे भी बनाएंगे। अभी ये राइट साइड पे जो है ना काम चल रहा है रोड वोड बनाने का। अब ये देख रहे हैं आप, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइडों पे जो है ना वो बैरिकेशन लगी हुई है, तरफ काम चल रहा है, ट्रैक बना रहे हैं आम ट्रैफिक के लिए। फिर बाद में ये जो बीच का रास्ता है उसको भी, इस पर भी काम चलेगा और रेड लाइन के जो ट्रैक हैं वो इस पर बनेंगे। काफ़ी हद तक जो है ना काम अभी हो चुका है, कुछ महीने पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, अभी कुछ महीने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे जो है ना बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी उन लोगों को जो लोग मलीर से जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह जाएंगे, या जो लोग काम पे जाते हैं सदर वगैरह, तारिक रोड वाले भी वहाँ जा सकते हैं, तो बहुत फैसिलिटी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी रोड पे होते हुए सफूरा मौसमिया इर्द गिर्द की जो आबादी है उनको एक मतलब सहूलत मिल जाएगी इससे अच्छी खासी, क्योंकि ये अपने एक सेपरेट ट्रैक के ऊपर चलेंगी रेड लाइन बीआरटी बसेस। तो एक तो इसमें ट्रैफिक जाम का मसला नहीं होगा, ऊपर से एयर कंडीशन लेटेस्ट बसेस होंगी, तो काफ़ी जो है ना सहूलत मिलेगी आम जो पब्लिक है उनको। ट्रांसपोर्टेशन के पहले बहुत मसले मसाइल थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर काम चल रहा है। ये अभी जो काम स्टार्ट हुआ हुआ है, ये जो मलीर का ये टैंक चौक है यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इन्होंने काम स्टार्ट किया है। अभी हम पहुंच चुके हैं जी एयरपोर्ट के एरिया में, लेफ्ट साइड पे एयरपोर्ट है, सामने आपको जो नज़र आ रहा है रेंजर्स का चेक पोस्ट है, और टैंक चौक के पास मतलब अभी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से रोड ख़राब होता था, अभी ये इन्होंने यहाँ पे जो है ना रिपेयर कर दिया है रोड को, अच्छा खासा रिपेयर हो चुका है। यहाँ
यहाँ से भी देखें ये काम स्टार्ट हुआ हुआ है, लेफ्ट साइड पे आप देखें ट्रैक बन रहा है आप ट्रैफिक के लिए, राइट साइड पे भी ट्रैक बन रहा है। ये ट्रैक बन जाएगा फिर जो आम ट्रैफिक है ये इस ट्रैक पे चलेगी और बीच में भी ये जो काम है उसका रेड लाइन BRT की जो ट्रैक बनेंगे उस पे काम शुरू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे भी रोड के लिए लेवल कर दी है जमीन, आगे जा रहे हैं आगे देखते हैं क्या है। नाले वाले यहाँ पे डाल रहे हैं, सेवरेज वेवरेज के सिस्टम ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पे लगा रहे हैं। पूछते हैं आगे फिर देखते हैं क्या है सिचुएशन। बैरिकेशन लगा के उन्होंने बंद किया हुआ दोनों साइडों से, तो ये दोनों ट्रैक बन जाएंगे तो फिर ये बीच का काम शुरू करेंगे। जो मेन ट्रैक होगा, दोनों ट्रैक होंगे जो BRT के, उसके ऊपर काम चलेगा रेड लाइन के ऊपर। बंदे लगे हुए हैं, अभी काम चल रहा है तेजी से। ये BRT बनने के बाद बड़ी जो है ना सहूलत होने वाली है इस एरिया के लोगों को, इस ट्रैक के इर्द गिर्द जितनी भी आबादियां हैं, सोसाइटीज हैं, जितने भी लोग रहायश पजीर हैं काम करते हैं उनको फैसिलिटी होगी, कनेक्ट हो जाएगा फिर ये ग्रीन लाइन BRT के साथ। तो फिर जो है मतलब जिसको सुरजानी भी जाना है यहाँ से वो भी जा सकता है, टावर जाना है, सदर जाना है, तारिक रोड जाना है, सब जा सकते हैं। उसके अलावा जो पीपल्स बस सर्विस है वो चल रही है मॉडल कॉलोनी तक, मॉडल कॉलोनी से आगे फिर ये BRT पूरे शहर में जो है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है वो जाल बिछाया जा रहा है। अब देखते हैं ये कितने साल लगते हैं इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने में। बोल तो इसको रहे हैं कि 3 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इन्होंने ये बीच में से काम शुरू कर दिया है, यहाँ से फिर मुतबादल रास्ता दे दिया है, उस रास्ते पे अभी हम जा रहे हैं। इस एरिया तक जो है ना इन्होंने रास्ता बना दिया है, दोनों साइड पे जो आम ट्रैफिक है उसके लिए ट्रैक बना दिए हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं इस ट्रैक के ऊपर, ये ट्रैक भी जो है ना ये रेडी हो चुका है, बीच में जो है वो काम चल रहा है रेड लाइन BRT का। मशीनरीज वगैरह यहाँ पे लगी हुई है दोनों साइडों पे, नजर आ रही होंगी आपको। RZ रोड है या ये परमानेंट रखेंगे इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल इन्होंने बना दिया है। आगे भी बन जाएगा तो फिर वो भी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो भी नहीं होगी। मौसमियात की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे भी इन्होंने ट्रैक बनाए, लेकिन उस तरफ अभी देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हम। और उसके अलावा इसका जो मजीद काम है वो यूनिवर्सिटी रोड पे, अगर आप सबामा शॉपिंग सेंटर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी इन्होंने काम शुरू किया है, बीच में जो खुदाई शुरू कर दी है और बैरिकेशन वगैरह लगा दी है, तो वहाँ पे भी काम चल रहा है। 2 फेसेस में इसका काम जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, बल्कि 3 फेसेस में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये जो मौसमियात की तरफ जा रहा है यहाँ से रास्ता उस पर भी काम चल रहा है, और आगे जो समामा शॉपिंग सेंटर है उस तरफ भी काम चल रहा है सफारी पार्क वाली साइड में, और दूसरा ये यहाँ पे भी काम चल रहा है। तो जी ये एक छोटी सी वीडियो अपडेट थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।